मिसलेनियस चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का हमारे पास, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म, मतलब टर्म का सम ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म, मींस m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म का जो सम है वो mth टर्म का ट्वाइस है। इट मींस जो हमें प्रूफ करना है a m प्लस n a m माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म, ये हमें प्रूफ करना है। तो अभी हम इसकी LHS लेते हैं, पहले बात कर रहे हैं AP की, m प्लस nth a m माइनस nth टर्म, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस a, ये हमारे पास टू वे होता है, और इन दोनों में से अगर हम d कॉमन ले लें तो m प्लस n माइनस 1 m माइनस n माइनस 1 इंटू d, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस m प्लस m 2m माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू d, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ये जो होता है हमारे पास, ये mth टर्म जो होता है am, वो होता a प्लस m माइनस 1 इंटू d। तो अभी ये दोनों हमारे आपस में इक्वल आ चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। वीडियो को बहुत जल्दी आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो हमारे पास मिसलेनियस है, क्योंकि ये सभी एक्सरसाइजों का मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हम जो क्वेश्चन हमारे इजी है उसमें हिंट देंगे, और जो क्वेश्चन हमारे पास जो सॉल्व करने वाले हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24। देखिए 3 नंबर का सम दे दिया, तो मैंने आपको नोट लिखवाया था, लेट 3 नंबर्स इन ए पी आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। तो अभी जो सम है, सम ऑफ नंबर्स है 24। सम ऑफ नंबर मीन्स ए माइनस डी ए और a प्लस बी इक्वल टू 24, ये d से d कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8, एंड देयर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है a माइनस डी ए और a प्लस बी, वो हमें दी हुई है 4, 30। अभी a की वैल्यू हम डालेंगे 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी, तो ये आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये इससे कटेगा हमारे पास 55, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी हमारे पास आया प्लस माइनस 3। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द नंबर, तो ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू 3 है, और एक बार ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू माइनस 3 है, तो दोनों वैल्यूज को इसमें हम डालेंगे तो हमारे तीनों नंबर्स निकल जाएंगे। तो आप नंबर खुद निकाल सकते हैं इसके अंदर डाल करके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है लेट द सम ऑफ nth 2n एंड 3n, n टर्म्स, लेट द सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP be S1, S2, S3, then prove that, ये हमें प्रूव करना है। तो S1 जो है हमारे पास वो है sum of n terms means Sn, और Sn होता है हमारे पास n by 2 2a plus n minus 1 into d। S2 हमारे पास है
sum of 2n terms. S2n और S2n का फॉर्मूला होता है 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 into t. ये हमारे पास होता है S2, ये S1 और जो S3 है वह हमारे पास sum of 3n terms means S3n. तो S3 हमारे पास आया 3n by 2, 2a plus 3n minus 1 into d. तो अभी हम S1, S2 and S3 तीनों निकाल चुके हैं. हमें प्रूफ करना है S3 is equal to thrice S2 minus S1. तो अभी आप LHS और RHS में आप वैल्यू पुट करेंगे. तो RHS हमारे पास है 3 S2 minus S1, 3. अभी S2 की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 into d. माइनस एस वन एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखिए सबसे पहले हम एन बाई टू कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा थ्री एन बाई टू. यहाँ से बचेगा टू, तो टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए. अब इस टू की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो फोर एन माइनस टू टी माइनस. अब जो n by 2 हमने बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ से बचेगा 2a, यहाँ से बचेगा n minus 1 into d. ये 4a में से 2a minus करेंगे तो बचेगा 2a, और इन दोनों में से अगर हम d कॉमन लेंगे तो 4n minus 2 minus n plus 1 d. इसमें से माइनस करेंगे तो 3n माइनस 1 डी, और ये हमारे पास बन गया S3. तो ये RHS. तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 मींस 200 एंड 400 के बीच के सभी नंबर्स का हमें सम निकालना है जो डिविजिबल बाय 7 है, जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे. तो अभी आप देखिए 200 एंड 400 के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर. तो देखिए फर्स्ट नंबर जो 7 से कटेगा जो 200 से बड़ा होगा वो फर्स्ट नंबर होगा 203. और 200 को आप डिवाइड करिए 7 से चार. तो जो हमें नंबर निकालना है ये रिमाइंडर है. रिमाइंडर को हमेशा पहले माइनस करते हैं इसमें से. तो कितना आएगा ये 196. लेकिन रिमाइंडर को हमेशा माइनस किया जाता है. अगर आपको ये पता करना है कि पहला नंबर 7 से कौन सा डिवाइड होगा तो आप जो फर्स्ट नंबर है 200 को अब 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर को माइनस करना. लेकिन रिमाइंडर को माइनस करने से प्रॉब्लम क्या होगा, 200 से छोटा हो जाएगा. तो प्लस 7 कर दीजिए, 196 7 से डिवाइड होगा. जब हम 200 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 रिमाइंडर रहता है. इट मीन 4 ज्यादा है जिसकी वजह से ये 7 से नहीं कट रहा. तो हमने क्या किया, 7 को माइनस कर दिया इसमें से 196. तो 196 7 से 100% डिवाइड होगा. बट 200 से ज्यादा करना है तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 7 प्लस कर देंगे, क्योंकि 7 से डिविजिबल हमें निकालना है. तो 7 प्लस करके चले जाएंगे. तो पहला हो गया 200, फिर 7 प्लस कर देंगे इसके अंदर तो ये आएगा 210, फिर 7 प्लस कर देंगे 207 एंड सो ऑन. अभी लास्ट का नंबर देखना है हमें कि 400 से छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा. तो सेम ऐसे ही 400 को 7 से डिवाइड करेंगे. 35077 14 एंड रिमाइंडर आया 1. रिमाइंडर को हमेशा माइनस करेंगे तो यह 399. अब इसमें प्लस नहीं करेंगे, तो जैसे ही हम प्लस करेंगे तो वो 400 से आगे निकल जाएगा. तो लास्ट नंबर जो है वो आया हमारे पास 399, विच इज डिविजिबल बाय 7.
तो अभी हमें इनका सम निकालना है। तो सम हम तभी निकाल सकते हैं, ए है हमारे पास, डी है हमारे पास, एल है हमारे पास, ठीक है, एल भी है हमारे पास, एन नहीं है। तो एन निकालने के लिए हमेशा एल का फॉर्मूला यूज करते हैं, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये माइनस करेंगे तो 691 इक्वल टू एन माइनस वन, सेवन एन माइनस वन इक्वल टू एन आया 29। तो 29 नंबर्स हैं हमारे पास 200 और 400 के बीच में, जो 7 से डिवाइड होंगे। अभी हमें सम निकालना है SN, SN होता है n by 2 a plus n, n है 29 by 2, a हमारे पास है 203, l है हमारे पास 399। तो 29 upon 2 into 602। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है वो सम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। यहाँ देखिए, या तो 2 से डिवाइड हो रहा हो नंबर, या 5 से डिवाइड हो रहा हो। देखो, फ्रॉम 1 to 100 मतलब है कि 1 भी काउंट कर सकते हो, 100 भी काउंट कर सकते हो, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो। हमें सम निकालना है, या तो 2 से, उन नंबर्स का सम निकालना है जो 2 से डिवाइड होते हैं या 5 से डिवाइड। इसमें हम क्या करेंगे, अब आप करना क्या है, जैसे सेम ये वाला क्वेश्चन था उसी प्रोसेस से ये होगा, बट इसमें 2 नंबर दे दिए, 2 और 5, मींस या तो 2 से डिवाइड हो रहा हो या 5 से डिवाइड हो। जैसे एक नंबर है 15, तो 15 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें लेना पड़ेगा। एक नंबर हमारे पास 8 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें लेना पड़ेगा। एक नंबर है हमारे पास 10, वो इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास 2 है, एक तो 1 से लेके 100 के बीच में, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और एक हमारे पास लास्ट में 100 भी है। तो सेम ऐसे ही हम पहले L वाले फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 100, 2, n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1, 2 इक्वल टू 98, n माइनस 1 49, n इक्वल टू 50। तो पहले हमें सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, तो 1 से लेके 100 के बीच में ये नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे, इनका सम निकालिए। सम, इसे हमने S1 नाम दे दिया, चलो सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, n by 2, a plus l, 50 by 2, a हमारे पास 2 है और ये हमारे पास कितना है 100, तो ये आया हमारा 102, तो 101, तो ये हमारा आएगा 102 upon 2, ये आया 51। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2550 जो है ये सम है उन नंबर्स का जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम सम निकालेंगे उन नंबर्स का जो 5 से डिवाइड होंगे, सेम इसी टाइप से करेंगे। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, 10, 15 और लास्ट में आएगा 100। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 100,
95 n minus 1 into 5 n minus 1 into 5 equal to 95. तो n minus 1 equal to n equal to 20. तो 20 नंबर ऐसे हैं 1 और 100 के बीच में जो 5 से डिवाइड हो गए. अब इनका सम निकालेंगे. S2 सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 n बाय 2 a प्लस l. n हमारे पास 20 है, ए हमारे पास 5 है, एल हमारे पास है 100. तो ये आ गया 10 into 105. ये आया 1050. अभी हमें निकालना क्या है? सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 100, मतलब 2 और 5. जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे उन नंबरों का सम, और जो नंबर 5 से डिवाइड होंगे उन नंबरों का सम, फिर फाइनली उन दोनों का सम निकालना है. अब ये सम है हमारा जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये हमारा सम है जो 2 से डिवाइड हो रही है, पर इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, हमें क्या निकालना है? इन दोनों का सम निकालना है. बट अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो एक प्रॉब्लम है. कुछ नंबर ऐसे हैं जो इसमें भी आ रहे हैं और जो इसमें भी आ रहे हैं. जैसे कि इसमें नंबर एक 10 है, वो 10 इसमें भी आएगा. इसमें 20 आएगा, वो 20 इसमें भी आएगा. ऐसे ही 30 आएगा, वो 30 इसमें भी आएगा. ये 100 है, ये 100 इसमें भी आएगा. तो इट मीन्स कुछ नंबर ऐसे हैं जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, वो दोनों डबल प्लस हो जाएंगे. और वो ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं? वो नंबर हैं 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10. इट मीन्स जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं वो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं. तो क्यों ना हम एक काम करें, जो 10 से डिवाइड होंगे उन नंबरों को निकाल करके उनको प्लस कर लेते हैं, फिर इन दोनों को प्लस करके और जो 10 वाला उसको हम माइनस कर देंगे. इससे क्या होगा, वो एक बार हमारा माइनस हो जाएगा. तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए पहले. तो नंबर्स निकालेंगे हम, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम, हमेशा एलसीएम जो होता है, एलसीएम हमेशा दोनों में कॉमन होता है. ठीक है, तो अब 10 के जो नंबर्स हैं वो क्या आएंगे? 10, 20, 30 और 100. तो इसमें ए तो हुआ 10, एल हुआ 100 और एन होगा 10, क्योंकि ये 10 नंबर आएंगे. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो अब हम इनका सम निकालते हैं. इसको हम एस थ्री कह देते हैं. सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, n by 2 a plus l. तो ये आ गया 10 by 2 a plus l. तो ये हमारे पास आएगा 110. ये आया हमारे पास 550. अब फाइनली आंसर हम निकालेंगे. सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 to 100 इक्वल टू. अब आप देखिए, ये था वो नंबर्स, ये है वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन नंबरों का सम है, ये है उन नंबरों का सम जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं. ये जो 550 है उन नंबरों का सम है जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं. वो ये 550 इसमें भी है और ये 550 इसमें भी है. तो किसी एक में से आपको माइनस करना पड़ेगा. तो किसी एक में से हमने माइनस कर दिया 550, क्योंकि 550 इसमें भी है, इसमें भी है, तो डबल काउंट हो जाएगा. काउंट हमें करना है कितनी बार? सिर्फ एक बार. तो अब क्या करेंगे हम? तो ये आएगा 2000. ये आंसर आ गया 3050 इज द आंसर. तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स. जितने भी टू डिजिट्स नंबर है उन सबका सम हमें निकालना है, विच व्हेन डिवाइड बाय 4 ईयर 1 एज अ रिमाइंडर. मींस ऐसे टू डिजिट वाले सभी नंबर्स
जिनको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो पहला नंबर जो होगा हमारे पास, जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, वो होगा 13। अगर हम 13 को डिवाइड करते हैं, 4 से, तो जो हमारे पास पहला नंबर जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। उसके बाद 4 प्लस कर दीजिए 21। अभी जो लास्ट का जो नंबर हमारे पास आएगा, जो लास्ट में हमारे पास नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड होगा, 2 डिजिट के हमें निकालने हैं, तो 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर, इट मीन्स जो 400 जो 100 है हमारे पास, ये 4 से डिवाइड होगा। इसमें से अगर हम 4 माइनस कर दें, क्योंकि हमें 2 डिजिट में लाना है, 96, तो 96 4 से डिवाइड होगा, प्लस 1 कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर छोड़ना है 97। तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो 97 आएगा, जो कि 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब इसका सम हमें निकालना है, सबसे पहले एल का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर एस एम का फॉर्मूला लगाएंगे, एल बाई 2 ए प्लस एल। तो ये आप कर सकते हैं, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अगर आप इसे देखिए, इफ अ एफ इज अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है, सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन है हमारे पास जिसमें एफ वन की वैल्यू हमें 3 गिवन है। सबसे पहले आप देखिए, एफ वन तो हमें 3 गिवन है और एफ एक्स प्लस वाई हमें गिवन है एफ एक्स इंटू एफ वाई, और हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और ये भी हमें गिवन है एक्स इज इक्वल टू 1 to n, एफ एक्स इज इक्वल टू 120। 1, 2, 3 हमें ये 3 चीज़ हमें गिवन है और ये हमें एन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखिए, समेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब समेशन, मतलब पूरी सीरीज को अगर हम खोलेंगे तो सबका सम आएगा। और सम कैसे निकलेगा, x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक पुट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे f1, फिर 2 रखेंगे f2, फिर 3 रखेंगे f3, एंड सो ऑन, लास्ट में n है, n रखेंगे इक्वल टू 1। ये एक सीरीज है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर f1 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, हम f2, f3, f4, f5 की हम वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेंगे ये देखिए आप, जो हमें देखिए, हमें 3 चीज़ गिवन है, 1, 2, 3, हमने इसका यूज़ कर लिया है, इसका यूज़ अपने आप हो जाएगा, f1 की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, अब इसका यूज़ रह गया हमारे पास। तो सिंस एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, कुछ भी पुट कर सकते हो, x और y की वैल्यू। मैंने 1, 1 क्यों पुट करी, क्योंकि मुझे 1, 1 रखने पर ये बनेगा 1 + 1, 2, तो ये बनेगा f2, तो मुझे f2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगा 1 + 1 f1 f1, ये हुआ f2, और f1 की वैल्यू हमारे पास है 3, फिर f1 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये आएगा 3 × 3 = 9। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 1 + 2 इसी में पुट करेंगे, तो f1 f2, f1 की वैल्यू 3 है और f2 की वैल्यू 9 है, तो ये आया हमारे पास 27, f3 हमारे पास आया 27। अब ये सारी वैल्यू मैं इसमें डालूँगा, तो ये आएगा 3 + 9 + 27 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा nth टर्म इक्वल टू 120। ये सीरीज मेरी जी पी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप देखेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज होगा SN, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 120। ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 तो 2 आ जाएगा 120, ये इससे कटेगा 40, तो 3 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू आया 80, ये 80 हो जाएगा, ये आया 81,
इंटीग्रल मतलब 3 की पावर 4 n इक्वल टू 4 इज द आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 115 व्हिच फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर दिस एंड दिस। देखिए फर्स्ट टर्म है 5 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें क्या निकालना है, एक तो एल निकालना है हमको और एक हमें निकालना है एन और एक हमें निकालना है एल। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर सम ऑफ सम टर्म्स लेट द सम ऑफ एन टर्म्स इज 315, तो एस एन इक्वल टू है 315। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास ar टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है हमारे पास वो है 5, r की वैल्यू है 2 और r की वैल्यू है 2 आएगा हमारे पास 64 6, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 6, तो n इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 आएगा, हमें लास्ट टर्म निकालनी है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है जीपी में ar टू दी पावर n माइनस 1। a हमारे पास वही 5 है, r हमारे पास है 2 और n है हमारे पास 6 और 2 की पावर 5 32, 5 2 10, 5 3 15 और यह आया 16, तो 160 इज द आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़िए। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1 एंड द सम ऑफ थर्ड टर्म मींस a3 एंड फिफ्थ टर्म मींस a5 इक्वल टू 90, देन फाइंड कॉमन रेशियो में r निकालना। सिंपल है, a3 होता है हमारे पास ar स्क्वायर, a5 होता है हमारे पास ar टू दी पावर 4 इक्वल टू 90। ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो इक्वेशन बनेगी दिस। अब इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 माइनस 9। यहाँ से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। टोटल में से आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, आइदर आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो आर इज नॉट रियल। इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इक्वल टू हमारे पास आया प्लस माइनस 3। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी ये क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें करना है और इसके आगे जितने क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो ट्राई करिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।